निर्देश कुमार, गांव बसवा खेड़ी, जिला हरिद्वार और उत्तराखंड का निवासी हूं। मेरे द्वारा पहली बार नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मैंने 5 ml पर लीटर के हिसाब से जड़ों का शोधन करते हुए लगाई और बाद में 30 दिन के बाद मेरे द्वारा नैनो डीएपी का स्प्रे किया गया। और अपने जो नॉर्मल खेत है, आधे खेत में मैंने नैनो डीएपी और आधे खेत में मैंने दानेदार डीएपी का इस्तेमाल किया, जो 10 किलो पर बीघा है। उसमें पैदावार मुझे बहुत कम महसूस दे रही है इसके मुकाबले। इसके कल्लों की मात्रा भी अधिक है और तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है और सभी पौधे बराबर मात्रा में चल रहे हैं, छोटा बड़ा नहीं है। तो मुझे इसके जो रिजल्ट है बहुत अच्छे महसूस किए। और किसानों के लिए मेरा यही संदेश है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें और इसको बढ़ावा दें, एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। धन्यवाद। निर्देश जी, आपने इसमें कितनी डीएपी डाली, जिसमें आपने नैनो डीएपी से पौध उपचारित की और बाद में एक स्प्रे किया नैनो डीएपी का? 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसमें मैंने शोधित करी नैनो डीएपी। और दानेदार डीएपी कितनी डाली? और दानेदार डीएपी मैंने 10 किलो का बीघा डाली उसमें, अपने वाले खेत में, अपने ही वाले। और इसमें, इसमें 5 ml पर लीटर के हिसाब से। नहीं, वो तो डाली, दानेदार डीएपी भी डाली है? नहीं, दानेदार तो मैंने इसमें बहुत कम इस्तेमाल ही नहीं की। अच्छा, इसमें वास्तव में डाली नहीं है? ना डाली नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। ये तो बिना आपने दानेदार डीएपी दिए भी आपका खेत मुझे उससे अच्छा लग रहा है जिसमें आपने 10 किलो का बीघा दी। तो आपको क्या लगता है उपज में, आपको है कि उससे ज्यादा उपज होगी कुछ? हाँ, उससे ज्यादा होगी। और यूरिया की मात्रा अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सारे ही खेत में 8 किलो लगाया और जिसमें 8 किलो में 5 किलो मैंने अपने उधर लगाया और बाकी का इधर 3 किलो में ही इस्तेमाल किया, वो भी दवा रड़ा के की थी इसमें। जी जी, यूरिया का इस्तेमाल भी मेरे द्वारा इसमें नहीं किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद।